नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव अब बीजेपी कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गए हैं। इन चुनाव में जो विजय पताका फहराएगा, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उसका पलड़ा भारी रह सकता है। यही कारण है कि अब निकाय चुनाव में दोनों दलों के राष्ट्रीय नेता और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी प्रचार करते नजर आएंगे। इधर आम आदमी पार्टी और ओबीसी की AIMIM की एंट्री ने भी बीजेपी कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा दी है। ये दोनों ही पार्टियां किसके वोट बैंक में सेंध लगाएगी, इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस में टेंशन है। अब इस बीच निकाय चुनाव में किसकी नैया पाल लगेगी, इस पर सबकी निगाहें हैं। अटेंशन में हम आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का शोर तेज हो चुका है। अब ये चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है। मिशन 2023 से पहले हो रहे इस चुनाव को सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यहां तक कि दोनों दलों के राष्ट्रीय नेता और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी चुनावी मैदान में नजर आएंगे। भाजपा से सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा समेत सूबे के कई दिग्गज नेता मैदान संभाल रहे हैं। और अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया और प्रहलाद पटेल जैसे दिग्गज नेता भी मैदान में उतरेंगे। वहीं कांग्रेस से कमलनाथ और दिग्विजय के अलावा प्रदेश के कई नेता मैदान में हैं। और अब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मोर्चा संभालने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर दोनों दलों के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है, जो दोनों दलों के आगे का भविष्य तय करेगा। और ये भी तय हो जाएगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का पलड़ा भारी रहने वाला है। लेकिन इस समय आम आदमी पार्टी और ओबीसी की एंट्री ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। पंजाब चुनाव में मिली सफलता से खुश आम आदमी पार्टी और AIMIM दोनों ही पार्टियां निकाय चुनाव के रास्ते मिशन 2023 के लिए अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के लिए अभी दोनों ही दल गले की फांस बन गए हैं। ये दोनों दल किसके वोट बैंक में सीध लगाएंगे, इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही टेंशन में हैं। स्वागत है, मैं कह रहा हूँ जो भी दल चुनाव लड़ते हैं, ये हमारे प्रजातंत्र की इतनी खूबसूरती है कि चुनाव लड़ने के लिए किसी को मना ही नहीं। आइए, आप मुद्दों पर चुनाव लड़िए। मध्य प्रदेश में इसके पहले भी तीसरे दल ने प्रयास किए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे गोंडवाना हो, अनेक दल ऐसे हैं जिन्होंने प्रयत्न किया, लेकिन वो शक्ति के रूप में स्थापित नहीं हो पाए। मध्य प्रदेश का ध्रुवीकरण दो दलों के मध्य में है और मुझे लगता है कि 2023 में भी यही स्थिति रहने वाली है। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने जितने विकास के काम किए हैं, जो गरीब कल्याण की योजनाएं साकार रूप ले सकी हैं, उसके कारण 2023 का चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाला है और फिर से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार बनेगी। जो कांग्रेस का आरोप है, कमोबेश उसकी पुष्टि ओबीसी जी ने कर दी है। कमलनाथ जी को लेकर, कांग्रेस को लेकर जो टिप्पणियां शिवराज सिंह जी चौहान और अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, वही बातें ओबीसी साहब ने मध्य प्रदेश में कही है। यानी उन्हें क्या कहना है, वह भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से ही शायद उनका लिखकर मिला होगा। और हम लोग कोई भविष्यवेत्ता है नहीं कि हम लोग उसकी भविष्यवाणी कर दें, मगर इतना जरूर है कि आप और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही राजनीतिक दल भाजपा को मध्य प्रदेश में लाभ पहुंचाने के लिए अपनी अपनी ताई सहयोग करने के लिए आएंगे। अब वो सफल कितना होते हैं वो जनता करेगी और हमारी आक्रामक नीति क्या होगी इस पर डिपेंड करेगी। जाहिर है, इस पूरी कवायद को देखकर लग रहा है कि प्रदेश में होने जा रहे निकाय चुनाव राजनीतिक दलों के लिए आम नहीं रह गए। इन चुनाव से मिशन 23 के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेंधमारी करने वाले छोटे दलों से कैसे निपटा जाए, इसका अनुभव भी बीजेपी और कांग्रेस को मिशन 2023 के लिए काम आएगा। लेकिन इस बीच सवाल यही है कि काफी दिलचस्प हो चुके इन नगरीय निकाय चुनाव में कौन अपना विजयी पताका फहराकर मिशन 2023 की राह आसान करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय खेमारिया और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है अजय जी आपका अनादि टीवी पर। नमस्कार। सबसे पहले आप ही के पास और बात 22 से पहले 23 की, कि जो हम तैयारियां देख रहे हैं 22 की,
तो 23 पे उसका कोई असर आपको नजर आ रहा है, खास तौर से अगर आम आदमी पार्टी की और ओबीसी की बात करें? क्योंकि अगर पिछले चुनाव पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो हालिया चुनाव हुआ है लोकसभा का, और जो भगवंत सिंह मान ने जो सीट छोड़ी थी लोकसभा की अपनी, उस पर भी पंजाब में आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। उत्तराखंड में भी हमने देखा नतीजे क्या रहे, हिमाचल में जो उनके प्रदेश अध्यक्ष थे वो बीजेपी में चले गए, गुजरात का रण अभी उनके सामने बाकी है। ऐसे में मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का भविष्य और ओबीसी किसके लिए संकट का कारण बनेंगे? देखिए, मैं अपनी नजर से जहां तक देख पाता हूं और जो मेरी अपनी समझ है उसमें मैं बार बार एक ही बात को, अपनी बात को दोहराने की कोशिश करता हूं कि मध्य प्रदेश अभी भी द्विदलीय राजनीतिक और चुनावी जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें द्विदलीय व्यवस्था से ही चलेगा, और मुझे आने वाले समय में भी कोई बहुत गुंजाइश इसमें नहीं आती कि कोई तीसरी पार्टी आकर के बड़ा उलट फेर कर पाएगी। जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, और अभी आपने जैसा मेंशन किया अभी कि एआईएम के ओबीसी साहब भी मध्य प्रदेश में कुछ जगह चुनाव लड़ा रहे हैं, मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है। मेरा स्पष्ट क्लियर कट ये दृष्टिकोण है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ये दोनों जो खास करके आम आदमी पार्टी और ओबीसी साहब की पार्टी जो है, वो मध्य प्रदेश में कहीं चुनावी राजनीति को इस तरीके से प्रभावित कर पाए कि इन दोनों दलों के लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज आज तो मुझे नजर नहीं आता। और जब ये बात मैं कहता हूँ तो इसके पीछे मेरा जो बुनियादी जो कंक्लूजन है वो इसके पीछे ये है कि मध्य प्रदेश की धरती पर एक बहुत बड़ा स्कोप बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को उपलब्ध था, क्योंकि उनका जो कोर वोटर है उत्तर प्रदेश के अंदर वो बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती इलाके हैं उत्तर प्रदेश से लगने वाले, खासकर रीवा और जिस इलाके से मैं आता हूँ ग्वालियर चंबल, वहाँ बड़ी संख्या में उस जाति के वोट यहाँ थे। आज मैं अगर उसको देखता हूँ तो वो पूरा छिन्न भिन्न हो चुका है, पूरा का पूरा जो कैडर था बहुजन समाज पार्टी का, कुछ हिस्सों में जहाँ यादव, आपकी आपकी आवाज तकनीकी कारणों से अटक गई है। जी जी अजय जी, तो मैं बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और गोंडवाना का जो महाकौशल का इलाका था वहां उनके लिए एक बेस था मजबूत ऑलरेडी। हम अभी देख रहे हैं कि जो डॉक्टर अलावा की पार्टी है वो भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो कमाल नहीं दिखा पा रही है। तो इसके पीछे बुनियादी कारण यही है कि इन दोनों पार्टियों जो या तीसरी पार्टियों का जिनके भी आप नाम लेंगे उनके पास में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बीजेपी और कांग्रेस की तुलना में बिल्कुल मुझे लगता है किसी प्रकार तक कुछ तकनीकी कारणों से आवाज नहीं आ पा रही हमारी। जी ब्रजेश जी, जो कुछ कह रहे हैं अजय जी, और हमने मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो अगर आम आदमी पार्टी से बात करें तो हमने देखा था पिछली बार उनका चेहरा था आलोक अग्रवाल, बड़ी संख्या में जब दिल्ली में जब हमने देखा अन्ना हजारे के बाद युवा लोग जुड़े थे उसमें, और जिसमें से कुछ कांग्रेस में चले गए, कुछ बीजेपी में चले गए, और आलोक अग्रवाल के साथ एक बड़ा बेस कहा जाता था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं तो बड़वानी धार और तमाम जो गुजरात से लगने वाला इलाका है वहाँ पर उसकी पार्टी की अच्छी खासी स्थिति है, लेकिन वो खुद चुनाव लड़े थे और उनका जो हश्र हुआ वो सबके सामने है। अभी तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को या नेताओं को उनके प्रदेश अध्यक्ष का भी नाम शायद ठीक से याद ना होगा। अब ऐसी स्थिति में चाहे वो केजरीवाल आ जाएं चाहे भगवत मान आ रहे हैं, और दोनों का फोकस सिंगरौली में है, तो सिंगरौली में ऐसा खास क्या है? क्योंकि हम कांग्रेस की बात करें तो कमलनाथ अपना चुनावी अभियान वहाँ से शुरू करते हैं, पावर हाउस उसको मध्य प्रदेश का कहा जाता है सिंगरौली का, तो क्या वहाँ कोई एक गुंजाइश इनको दिख रही है? या चूंकि विंध्य से आता है वो, और जो अजय जी भी कह रहे थे कि बसपा का जो कोर वोटर है वहाँ छिन्न भिन्न होता नजर आ रहा है, उनके पास लीडरशिप का अभाव है, कार्यकर्ता तो आज भी उनके पास है, वोटर उनका आज भी है, तो शायद इसलिए नज़र है, या एक संदेश देने की कोशिश है कि 22 में अगर हम कुछ एक दो सीटें जीत भी पाते हैं पार्षदों की महापौर की, तो खैर अभी इससे दावा करना बेमानी होगा आम आदमी पार्टी के लिए, तो एक शुरुआत की पार्टी फोकस कर रही है वहाँ पे हम देख रहे हैं कि चाहे वो सतना हो चाहे सिंगरौली हो, यहाँ बागियों के भरोसे है। मतलब पार्टी का जो अजय जी कह रहे थे कि कोई संगठन तो है नहीं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे ओबीसी की पार्टी हो, दोनों का कोई संगठन नहीं है।
तो जो भी है इनकी ताकत है, या आप इनको ऐसा कह सकते हो कि वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएंगी मध्य प्रदेश में, लेकिन निकाय चुनाव में इनकी शुरुआत इस मायने भी हो सकती है कि बहुत सारे बागी इनके पास चले गए जिनका खुद का व्यक्तिगत उस पर रहेगा, तो हम सोच सकते हैं कि पार्षद 2, 4, 6, 10 आ भी सकते हैं, जिस तरह हमने देखा सूरत में आ गए थे, हमने देखा चंडीगढ़ में आ गए थे, तो कुछ शहरों में उनको उम्मीद है, क्योंकि एक निराशा कांग्रेस की तरफ भी है। कांग्रेस से जो लोग नाराज हों, और जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो कहाँ जाएगा, सेकुलर वोट बैंक है, तो उसके लिए एक प्लेटफार्म मिल जाता है, वो चला जाएगा आपके पास आम आदमी पार्टी के पास। बीजेपी से नाराज वोट हम देखते हैं कि कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, कांग्रेस के पास जा नहीं सकता है, ओबीसी के पास जा नहीं सकता है, तो एक नाराज वोट बैंक वो भी ले सकते हैं, तो ये कुछ जगह वोट पा सकते हैं। तो ये वोट काटने वाली है नोटा की तरह, जिस तरह हम लोगों को नाराज किए तो किसको वोट दें, तो उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी को ही दे दीजिए। तो इस तरह से हमने देखे कई जगह पे, आपने देखा था मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए पिछले, तो आपने देखे नोटा भी बहुत सारे वोट ले गए थे मनोज जी, बिल्कुल। तो ये एक तरह से मुझे लगता है कि वैसा ही इनकी वो रहेगी, और 2, 4, 6, 10 जगह 2, 4, 6 पार्षद आ जाएंगे, तो एक तरह से उनको लगेगा कि वो जमीन तलाश रहे हैं, मतलब देख रहे हैं कि ये हमारे लिए उपजाऊ है या नहीं है। जिस प्रकार से हवा बनाने वो माहिर है, जैसे गुजरात की, हमने गुजरात में एंट्री हो गई है, लेकिन बाद में हाल में हमने इनकी स्थिति देखी है, उत्तराखंड में बड़े जोर शोर से गए थे, और जो सीएम कैंडिडेट था उनका वो बाद में बीजेपी में शामिल हो गया। देखिए हवा बनाने में दोनों माहिर हैं मनोज जी, चाहे वो ओबीसी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। बिहार में ओबीसी के जो विधायक बनकर आए थे आप देखिए वो चले गए, आरजेडी में चारों विधायक चले गए, चारों, तो इनका कोई संगठन नहीं है, और ये क्या सिर्फ 1-2 सीटों तक सीमित रह जाएंगे। तो आप मध्य प्रदेश में यदि तीसरे विकल्प के रूप में हम इनको देखें तो वो बेमानी होगा, जो नाराज लोग हैं उनके लिए एक प्लेटफार्म मिल गया है, वो वहाँ से टिकट ले लेंगे, 2, 4, 6 जीत जाएंगे, यहाँ तक ठीक है। रही बात कि इनसे बाकी के दलों को, तो ये सबसे बड़ा संकेत ये है कि मतलब मनोज जी ओबीसी आ गए हैं, यदि भोपाल की कुछ सीटों पर यदि वो वोट बैंक वोट उनके काट ले जाते तो किसका वोट काटेंगे, ओबीसी मुस्लिम वोट जाएंगे, कट्टरपंथी जो वोट है कट्टर मुस्लिम जो है वो उनको वोट दे देंगे, तो नुकसान हम देखेंगे कि विभा पटेल को होगा, कांग्रेस को होगा, और फायदा किसको होगा, बीजेपी को होगा। तो इसी कारण हम देखते हैं कि बार बार जब कांग्रेस कहती है कि वो तो बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि वोट उनके काटती है। और रही बात आम आदमी पार्टी, जब नरोत्तम मिश्रा जैसे नेता उनका स्वागत कर देते हैं तो कहीं ना कहीं शासनका को या तो कहते हैं कि हवा देते हैं वो। देखिए निकाय चुनाव में मुद्दे होना चाहिए स्थानीय, लेकिन ये पता नहीं क्या है कि हम इसको बीजेपी के भाग्य का ही कुछ कह दें कि भाग्य उनका ऐसा है कि जब जब चुनाव होते हैं कोई ऐसा एक मुद्दा आ जाता है मनोज जी जो चुनाव की फिजा बदल देता है। आप सोचिए कि राजस्थान में एक घटना हुई है और यहाँ के नेताओं के ऐसे ऐसे बयान आने लगे हैं फिजा बदलने वाले, तो असल मुद्दों से दूसरे मुद्दों पर चले जाते हैं, या ये उनकी तकदीरी कह सकते हैं या भाग्य की कह सकते हैं कि ऐसे मौके आ जाते हैं कि कांग्रेस ही कुछ ऐसा कर देते हैं, कांग्रेस के राज में ऐसा घटनाक्रम हो गया, उसके बाद उन नेताओं के ऐसे बयान आ गए कि इसके लिए जिम्मेदार मोदी है, तो ये जिस तरह से उसको भुनाने की कोशिश। पूरे मामले में देखते ओबीसी का स्टैंड क्लियर है, वो इसकी निंदा करते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि कांग्रेस को अब खत्म हो जाना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ओबीसी जबलपुर में रहे हो मनोज जी या भोपाल में रहे, उनके टारगेट पे कांग्रेस ज्यादा रही है, हमला उन्होंने बीजेपी पर भी कहा है, और ये कहा है कि नुपुर की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, कानून के हिसाब से कार्रवाई हो जानी चाहिए, लेकिन वो पूरे समय कांग्रेस पर कमलनाथ पर हमला करते रहे, चाहे जबलपुर के हम उनके भाषण देख लें, चाहे यहाँ मीडिया से बात देख लें या उनकी सभा देख लें, उन्होंने कमलनाथ को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की, जो 15 माह की सरकार चली गई, सिंधिया क्यों गए ये सवाल उन्होंने पूछे, दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा उन्होंने, पूरी कांग्रेस पर निशाना साधा कि कांग्रेस की वजह से लोकतंत्र की ये हालत है, जो कांग्रेस जब तक रहेगी देश में ये हालात रहेंगे, तो कांग्रेस मुक्त करने की जो बात बीजेपी करती है वो बात कहीं ना कहीं ओबीसी कह रहे हैं एक तरह से, तो ये भी बड़ा एक मैसेज है कि विकल्प बनने की कोशिश दोनों ही दल किसकी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी किसका विकल्प बनने की कोशिश करती है, वो देखती है कि कांग्रेस कमजोर है तो कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश करती है, ओबीसी उनके वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं, तो ये दोनों ही मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए फायदेमंद और कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है। जी तो अजय जी नुकसानदायक, लेकिन एक चीज हम देखें, अगर आम आदमी पार्टी को बहुत गहराई से हम देखें कि वो हर एक उस राज्य में जाने का प्रयास कर रही है जहां उसको लगता है कि वो कांग्रेस को रिप्लेस कर सकती है, मध्य प्रदेश उनमें से एक है, हालांकि पिछली बार सफलता नहीं मिली। आप भी जो कह रहे हैं कि इस बार भी उनकी संभावना ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक बेस का तैयार करने का प्रयास कि 2023 के लिए अगर वो कुछ कर सकें। और दूसरा, हाल के उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमने जब मार्च में नतीजे आए थे तो मान लिया गया था कि आम जो बहुजन समाज पार्टी है वो खत्म हो गई है, लेकिन हम देखते हैं कि उपचुनाव में आजमगढ़ में वो 2.5-3 लाख वोटर उनका जो गुड्डू जमाली को मिलते हैं, और जो समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव अखिलेश के भाई चचेरे वो चुनाव हार जाते हैं।
इसके बाद हम देख रहे हैं कि विंध्य की बात करें हम तो सतना में बसपा के टिकट पर कांग्रेस के बागी महापौर का चुनाव लड़ रहे हैं शहीद अहमद, तो क्या बसपा के लिए फिर से एक पुनर्जन्म की स्थिति बन रही है? अगर विंध्य के स्थिति में देखें, बागियों के सारे ही देखें, या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के नतीजे जो बता रहे हैं? देखिए, यहाँ तीसरे मोर्चा या थर्ड फ्रंट को अगर कहीं कोई गुंजाइश बनती है मध्य प्रदेश के अंदर, तो वह सबसे पहला उस पर बहुजन समाज पार्टी का है। जैसा कि आपको खुद सर्वविदित है कि मध्य प्रदेश में एक पूरा कैडर उनका काम स्वाभाविक रूप से उनके पास उपलब्ध है। अब सबसे बड़ी समस्या उनके पास लीडरशिप की नहीं है। मायावती ने जिस तरीके से लीडरशिप को खत्म किया, उसका एक दुष्परिणाम यही है कि बहुजन समाज पार्टी, जिसका एक बहुत अच्छा उभार ग्वालियर, चंबल और विंध्य के इलाकों में और कुछ हिस्सों में बुंदेलखंड, जहां उत्तर प्रदेश से सटा हुआ वो इलाका है, वहां एक डेवलप होते हुए हमने खुद अपनी आंखों से आप सबने देखा है। क्योंकि अब लीडरशिप नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी खड़ी होती है तीसरे फ्रंट के तौर पर, तो स्वाभाविक दावेदार वो रहेगी। दूसरी बात जो आपने उठाई कि ओबीसी हो या आम आदमी पार्टी हो, जब चुनावी राजनीति में जब इनके बयानों को हम देखेंगे, तो आपको स्वाभाविक ऐसा लगेगा कि बीजेपी की बी टीम है ये। ऐसा बी टीम लगना और बी टीम दिखाना उनकी मजबूरी है। उसका रीजन ये है, बुनियादी रीजन ये है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टियों का जो बेस है वो कांग्रेस की जमीन पर खड़ा होने वाला है। जहां जहां कांग्रेस की जमीन जीतेगी, वहां वहां आम आदमी पार्टी या दूसरी जो पार्टी है, चाहे ओबीसी की पार्टी हो, वो जाएगी। क्योंकि जैसा ब्रजेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी से जो असंतुष्ट वोटर होगा, वो बहुत ही मतलब विषम परिस्थितियों में इन पॉलिटिकल पार्टियों की पोलराइजेशन उसका हो पाएगा। बीजेपी का वोटर अंततः बीजेपी के साथ रहता है, बहुत नाराजगी की स्थिति होती है, तो उसे ऐसा लगता है कि जब स्थानीय स्तर का कोई प्रतिनिधि चुनाव में होता है तो बसपा या सपा की ओर चला जाता है। तो आम आदमी पार्टी अगर कोई हाइप खड़ा करती है या कोई मैदान में आपको नजर आती है, तो उसके लिए उनकी मजबूरी है कि वो कांग्रेस को टारगेट करेंगे। क्योंकि जो मुस्लिम वोट है या जो दूसरे वीकर सेक्शन का वोट है, जो लोकप्रिय राजनीति को बहुत जल्दी से प्रभावित हो जाता है, मुफ्तखोरी जिसको हम कहते हैं उनकी भाषा में, तो उसको टारगेट करने का मतलब है कांग्रेस को टारगेट करना। अब चूंकि यहाँ मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और कमलनाथ सरकार में नहीं है, इसके बाद भी अगर आप देख रहे हैं कि वो ओबीसी के निशाने पर या आम आदमी पार्टी के निशाने पर कमलनाथ है, कांग्रेस है, तो आप समझ लीजिए उनका टारगेट कहाँ है, जैसा कि ब्रजेश जी ने अभी मेंशन किया। तो स्वाभाविक है कि वो कांग्रेस को टारगेट करेंगे। जितना कांग्रेस कमजोर होगी, ये आम आदमी पार्टी या ओबीसी का जो वोट कांग्रेस के खाते से खिसक कर ही ओबीसी के पास आने वाला है। लेकिन इन सब के बाद मैं आखिर में कंक्लूजन में ये कहना चाहता हूँ कि अगर जैसा ब्रजेश जी ने कहा कि 2-4 जगह जीत भी जाते हैं, 10-20 पार्षद मध्य प्रदेश के अंदर वो जिता भी लेते हैं, तो सवाल ये है कि जैसा कि आज ही जब इस खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो ओबीसी के 4 विधायक जा चुके हैं, तो मध्य प्रदेश में जहाँ दूर दूर तक बीजेपी और कांग्रेस के अलावा तीसरे दल की सरकार बनने की गुंजाइश अभी निकट भविष्य में नहीं है, तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित होकर के बागी इन पार्टियों का इनके सिंबल पर आता भी है, तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई विकल्प खड़ा मध्य प्रदेश की राजनीति में ये पॉलिटिकल पार्टियां कर पाएंगी, ऐसा मेरा मेंशन है। ब्रजेश जी, लड़ाई कितनी तगड़ी हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात करें कि तमाम सारे दिग्गज दल उसमें डेरा डाले, 23 की संभावना देख रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि जो ओबीसी की पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, अगर 22 के चुनाव की बात करें या 23 के जो चुनाव होना है, उसमें वो भूमिका निभाएंगी तो 2008 में भारतीय जनशक्ति ने निभाई थी कि बीजेपी का जो नाराज वोट है वो कांग्रेस को जाने की बजाय शहरी वोट आम आदमी पार्टी को चला जाए कुछ हिस्सों में, और जो हार्ड कोर मुस्लिम वोट की हम बात कर रहे हैं वो ओबीसी के संग चला जाए। और पिछले 2 चुनाव से हम देखें तो यहाँ मुस्लिम जो वोटरों का पैटर्न है वो पहले हम ये देखते थे इस तरीके से होता था कि उनको बीजेपी को हराना है, ना कि उनको कांग्रेस को जिताना है। उसमें भी हम थोड़ा चेंजेस होता देख रहे हैं, उतनी हम देख रहे हैं कि वैसी वोटिंग नहीं हो रही, पैटर्न चेंज है। अगर वो पैटर्न फिर से बरकरार रहता है तो कांग्रेस के लिए बड़ा संकट। और तीसरा, जब बसपा फिर से अगर एंट्री कर रही है विंध्य के रास्ते से ही, तो दलित वोट बैंक में वो सेंध लगा रही है, शहरी वोट बैंक उनका खसकता नजर आ रहा है, पहले बीजेपी के कारण अब आम आदमी एक कारण बन सकती है, या मुस्लिम वोट बैंक। आदिवासियों के लेकर बीजेपी पहले से ही गंभीर है, तो क्या बीजेपी अब मध्य प्रदेश में उस रास्ते पर चली जाती नजर आ रही है जो उत्तर प्रदेश बिहार में हमने देखा है, या महाराष्ट्र में कि 4th नंबर पर पहुँच गए वो? देखिए मनोज जी, 2018 में जो झटका लगा बीजेपी के लिए, तो उसके लिए
चारों तरफ से मतलब जिस तरह जो भी रणनीति हो साम दाम दंड भेद वो अपना रही है, वो आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रही है, वो दलितों को साधने की कोशिश कर रही है, और ऊपर से सोने पर सुहागा यदि आम आदमी पार्टी आती है ओबीसी आती है तो उनको निश्चित तौर पर कुछ सीटों पर फर्क पड़ेगा। हम यदि भोपाल को उदाहरण ले लें, हम यदि बुरहानपुर का उदाहरण ले लें, खंडवा का उदाहरण ले लें, तो यदि ओबीसी यदि चुनिंदा जगह ही अपने उम्मीदवार 2023 में उतारते हैं मनोज जी तो निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा। मध्य सीट जो बीजेपी से छीन कर हम देख रहे हैं कि आरिफ मसूद के खाते में चली गई है, तो आप देखिए कि ये सीटें जो हैं उन पर प्रभाव सकते हैं। उत्तर सीट जो जीत नहीं सक पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में दो अल्पसंख्यक बिल्कुल कहे कि मुस्लिम विधायक है। हाँ, जो कांग्रेस जो वोट बैंक की वजह से कम एक सीट तो जीतती आ रही थी, तो कहीं उसमें सेंध लगाने में ओबीसी कामयाब हो गया। उनका जो फोकस है पुराने शहर पर, उन्होंने सभाएं की हैं, उनका फोकस भी आज यदि उनके प्रचार के रूट को देखेंगे, हम रोड शो को देखेंगे, सभा को देखेंगे, तो उन्हीं क्षेत्रों पे फोकस कर रहे हैं। वो भी जानते हैं कि उनके पास ना संगठन है ना उतना वोट बैंक उनको मिल सकता है, तो उन्हीं क्षेत्रों पर फोकस कर रहे हैं। जो आप पहले कह रहे थे सिंगरौली पर ही क्यों फोकस, तो सिंगरौली में भी एक संभावना दिख रही है आम आदमी पार्टी को, इसलिए वो वहां से शुरुआत कर रहे हैं, वहीं पर केजरीवाल सभा को संबोधित करने वाले हैं। ओबीसी को कुछ सीटों पर संभावना दिख रही, उन्होंने इसी कारण 7 जगह पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं महापौर के, तो ये एक तरह से तय करेगा कि ओबीसी को कितना वोट बैंक जाता है। ये वोट बैंक यदि जाता है तो 2023 में एक तरह से हम ये टेस्ट कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी भी खुद की टेस्टिंग कर रही है, ओबीसी भी खुद की टेस्टिंग कर रहे हैं, और भी बीजेपी और कांग्रेस भी ये देख रही है कि कौन कितना नुकसान पहुंचा सकता है, और ताकत इसलिए लगाई जा रही है कि आप अभी से एक माहौल बना देंगे। या वो कह सकते हैं कि बागियों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि ठीक है आप निर्दलीय क्यों लड़ रहे हैं, हमारे सिंबल पे लड़ लिए, चाहे हारी है चाहे जीती है, लेकिन जो वोट मिलेगा तो वो हमारे शेयर में काउंट हो जाएगा कि देखिए आम आदमी पार्टी को मध्य प्रदेश में इतने फीसदी वोट मिल गए और ओबीसी को इतने परसेंट, और इससे दूसरे लोग प्रभावित होंगे। यदि आम आदमी पार्टी को वोट बैंक वोट बढ़ा, भले ही वो एक भी जगह सीट ना जीत पाए या ओबीसी ना जीत पाए, लेकिन एक वोट तो आएगा उसके पास। ये वोट बैंक वो एक माहौल बनाने का काम करेंगे कि मध्य प्रदेश में भी देखिए कि इतने लोग आम आदमी पार्टी को पसंद करने लगे हैं, ओबीसी को पसंद करने लगे हैं, तो इसका फर्क 2023 के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा मनोज जी, उस ताकत के साथ वो उतरेगी, और उतने जिस तरह से बागी होंगे, हम देख रहे हैं कांग्रेस उन सभी को टिकट नहीं दे सकती, बीजेपी नहीं दे सकती, तो उनके पास एक प्लेटफार्म होगा कि आम आदमी पार्टी के से टिकट ले लें और एक वोट को काटे। हमने देखा 2018 में, चाहे आप देखिए बीजेपी के बागियों ने कितना नुकसान पहुंचाया था, कितनी सीटें मंत्री तक हार गए थे और बड़े कम मार्जिन से हुआ था, दो दो सीटें गंवा दी थी। यदि हम दमोह की बात भी कर लें तो बिल्कुल, ग्वालियर की बात करें जो प्रवीण पाठक जैसे जीते हैं, या धीरज पटेरिया के कारण जो बीजेपी सीट हारी है, या हम रामकृष्ण कुसमारिया के कारण जयंत मलैया की हार को देखें, तो ये दोनों दल भले ही खुद के लिए कुछ ना पा पाए, लेकिन मनोज जी ये दूसरों का खेल बिगाड़ने में तो निश्चित तौर पर फायदेमंद होंगे। यदि उत्तर प्रदेश गए ओबीसी तो बीजेपी को फायदा हुआ, बिहार गए तो आप देखिए कि 4 सीटें ले आए वो, तो एक तरह से माहौल तो बनाते हैं वो। यदि मध्य प्रदेश में माहौल बना रहे हैं तो कुछ सीटों पर वो जीत पाएं या ना जीत पाएं, लेकिन वो एक तरह से वोट काट कर किसी एक दल को तो फायदा पहुंचा सकते हैं। अब यही कौन, दोनों दल कितना उनसे फायदा उठा सकते हैं, ये देखने की बात है कि किसका वोट काट लें और किसका वोट ना काटे, अपने वोट बैंक पर कौन पकड़ रख मजबूत रख सकता है। जिस तरह से अजय जी भी कह रहे हैं कि बीजेपी का वोट बैंक इतनी आसानी से जाता नहीं है, वो मुश्किल से ही यदि उसका कोर वोट बैंक है वो ऐसी परिस्थितियों में जाएगा जब वो वाकई में बहुत नाराज हो या उसके मुताबिक उम्मीदवार वहाँ मैदान में ना हो। तो एक तरह से जो नुकसान हम देख रहे हैं वो सीधा सीधा वहीं है, और आम आदमी पार्टी जहाँ भी विकल्प बनी है, चाहे दिल्ली की बात करें हम, चाहे पंजाब की बात करें मनोज जी, वो कांग्रेस का ही विकल्प बनी। यदि गुजरात में भी निकाय चुनाव में जीती है तो बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ, कांग्रेस को नुकसान हुआ, कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी को लोगों ने चुना है। तो ये कम से कम कांग्रेस के लिए एक और खतरे की घंटी है कि यदि उसका कोई विकल्प बनना चाहती है, भले ही उसका संगठन ना हो, तो ये पहली तरह से एक टेस्ट हो जाएगा कि उसके लोग कितने नाराज हैं और अब कांग्रेस की किस स्थिति में है 2023 में वो चुनाव लड़ने के लिए। पहले से जो ताकत लगा रही निकाय चुनाव में, हम देख रहे हैं दिग्गज क्यों उतर रहे हैं, चाहे सचिन पायलट से लेके जो आ रहे हैं, चाहे योगी से लेकर केजरीवाल से लेकर भगवत मान से लेकर तमाम दिग्गज उतर रहे हैं, तो ये 2023 के टेस्टिंग हो रही है एक तरह से। तो अजय जी टेस्टिंग हो रही है आगे मैदान में, एक बड़ा कारण ये भी कह सकते हैं हम कि आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी शायद जिसकी दो राज्यों में सरकार है लेकिन लोकसभा में उनका एक भी मेंबर नहीं बचा है, भगवत मान जी की जो सीट भी हार गए। दूसरा मतदाताओं का आप देखिए कि मतदाता किस तरह से जागरूक हो गया है कि वो दिल्ली में किसको देखना चाहता है, प्रदेश में किसको देखना चाहता है और निकाय में किसको देखना चाहता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में जो नारा दिया था कि आप दिल्ली में मोदी और विधानसभा में योगी, अब निकाय चुनाव में हमको टेस्ट करके देख लीजिए।
तो शायद उनकी एक मजबूरी ये भी कि राष्ट्रीय पार्टी का उनको दर्जा लेना है, तो 6 राज्यों में कम से कम अच्छा परफॉर्मेंस देना है। और दूसरा, बीजेपी ने हैदराबाद, जिसको भाग्यनगर कहते हैं, वहाँ पिछले चुनाव में जिस प्रकार से उनने प्रचार किया था, ताकत झोंकी थी, तो बाकी पार्टियाँ जो उस समय भले उनका उपवास करा रही थी कि इतने छोटे चुनाव में योगी भी है, अमित शाह भी हैं, तो ये एक पैटर्न बीजेपी ने सिखा दिया है कि आपको अगर हमसे लड़ना है तो हमारी स्टाइल में लड़ना होगा, हमारी जितनी मेहनत करना होगी। तो पहली सीढ़ी को मजबूत करना पड़ेगा, नीचे से आपको अपना संगठन और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना पड़ेगा। लड़ाई छोटी हो या बड़ी, मन पूरी ताकत से लड़ना चाहिए, ये शायद सही कह रहे हैं आप कि बीजेपी ने सिखा दिया। और यही वजह है कि निकाय चुनाव में हम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल उतर रहे हैं, योगी जी उतर रहे हैं, ओबीसी उतर रहे हैं, शायद वो भी अपनी जमीन ही तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, एक और राज्य में अपनी जमीन तलाश। एक छोटा सा कमेंट अजय जी आपका। जी मुझे तो ये जो अभी ब्रजेश जी कह रहे हैं मैं उससे बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि अपनी जमीन बनाने के लिए ये जो ख्याल है इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि मध्य प्रदेश में अभी तीसरे दलों को मेरी अपनी समझ के अनुसार तो बड़ा इंतजार अभी करना पड़ेगा। और ये ओबीसी की पार्टी अगर कुछ भी गेन करती है तो वह कांग्रेस का नुकसान करेगी, आम आदमी पार्टी अगर कुछ भी गेन करती है तो मैं निश्चित तौर पर दावे से कह सकता हूँ कि वह कांग्रेस का नुकसान करेगी। इसलिए अगर ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियाँ आती हैं या तीसरी, जैसा कि आपने बिंद में बताया कि वहाँ लड़ रहे हैं महापौर पर बसपा से कांग्रेस के बागी, तो दिक्कत कांग्रेस को है। और कांग्रेस, मुझे अभी भी लग रहा है, मैं बिल्कुल अपने ऑब्जर्वेशन से कह रहा हूँ कि कांग्रेस पूरे मन से नगरीय निकाय के चुनाव नहीं लड़ पा रही है। आप देखिए, चीफ मिनिस्टर ग्वालियर में कल 4 जगह पब्लिक मीटिंग एड्रेस करके गए हैं। आज कमलनाथ आए ग्वालियर जरूर है, लेकिन उनका कोई पब्लिक का इस तरीके का प्रोग्राम नहीं है। इसी तरह मुख्यमंत्री को आप इंदौर में देखेंगे, भोपाल में भी आने वाले समय में देखेंगे, पूरे भोपाल को नापेंगे, रोड शो करेंगे। उज्जैन भी 4 रोड शो किए उन्होंने, पब्लिक मीटिंग एड्रेस किए, तो कुल मिलाकर एक लाइन में ये कह सकते हैं कि कीचड़ कमल को उखाड़ने के लिए आपको तालाब में उतरना पड़ेगा, जिसमें बहुत मेहनत लगेगी, वक्त लगेगा, जोखिम है, लेकिन पंजे से पंजा लड़ाना बहुत आसान काम है। और शायद इस चुनाव में हम ये होता हुआ देखेंगे। बहरहाल समय इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के लिए भी, ओबीसी के लिए, और सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए, क्योंकि उसका जो कोर वोट बैंक है, अगर शहरी क्षेत्रों में बीजेपी ने पहले इसको ज़्यादातर जगह से रिप्लेस कर दिया है, और अगर जो कुछ वोट उनके बचा है वोटर, अगर ओबीसी आते हैं और अगर केजरीवाल आते हैं, तो मुस्लिम वोट बैंक में भी क्षरण होगा, उनका सेंध लगेगी, और शहरी क्षेत्रों में भी कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।